नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्वांटम थेरेपी मशीन 9th जनरेशन कैसे यूज किया जाता है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या एसेसरीज इसके साथ आती है। तो आपके साथ सबसे पहले इसमें एक यूजर मैनुअल आता है और उसके बाद इसमें एक डिटेक्टिंग रॉड आती है जो कि बॉडी की जांच करने के काम आती है। उसके बाद एक इसमें कॉर्ड वायर आती है जो कि लैपटॉप और मशीन से कनेक्ट होती है। उसके बाद इसमें एक की आती है जो कि मशीन का सॉफ्टवेयर खोलने के काम आती है। एक इसके अंदर पेन ड्राइव आती है, सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर। और उसके बाद इसमें दो वायर्स आती हैं। ये वायर्स आप ये जो बाद में जो तीन एसेसरीज देख रहे हैं इसमें कनेक्ट की जाती है। किस तरीके से देखिए आप, यहाँ पे होल बने हुए होते हैं। ये दो ब्लैक कलर के हैंडकफ्स आते हैं, इसमें आप ये स्टिमुलेशन के काम आते हैं। और उसके बाद इसके अंदर एक स्लीपर आता है, ये एक पेयर स्लीपर का होता है जिसमें ये वायर इस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे ये वायर लगा करके आप इसको पैरों के लिए भी, आप इसमें थेरेपी के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्टिमुलेशन के काम आता है ये। और इसके साथ इसमें चार पैचेस आते हैं, वो जो चार पैचेस आप देख रहे हैं ये बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप लगा सकते हैं। और ये जो आप होल देख रहे हैं इसके अंदर ये वायर जो है, जो वायर का सॉकेट है, ये आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके से इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे इस मशीन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। ये एक सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव है जो कि यूएसबी पोर्ट पे हम लगाएंगे और आइकन बना हुआ आ जाएगा। और जब आप इस आइकन को क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर के लिए प्रोसीड करने का, फाइल प्रोसीड करने का सिस्टम चालू हो जाएगा, प्रोसीजर चालू हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको आगे कर सकते हैं। और ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का देखिए सिस्टम, ये आपको नेक्स्ट करना है, फिर आपने फिर नेक्स्ट किया और इस तरीके से ये फाइल इसकी अपलोड हो जाएगी सिस्टम में और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। ये विंडो 7, विंडो 8, विंडो XP, विंडो विस्टा पे सब पे चल सकता है, विंडो 10 सब पे चलता है। ये फाइल सारी अपलोड हो चुकी है और ये फिनिश का ऑप्शन आ चुका है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। और आगे आपको बताते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आप देख सकते हैं आइकन बना हुआ आ गया है आपकी स्क्रीन पर, डेस्कटॉप पर आपके आइकन बना हुआ आ गया है। और इसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव थी ये आपने निकाल देनी है क्योंकि इसके बाद आपको की लगानी है। ये जो की है ये सॉफ्टवेयर की है, इसके साथ ही ये सॉफ्टवेयर आपका ओपन होता है। और ये देखिए ये हमने की लगा दी और इसके बाद हमने ये कॉर्ड वायर, जो कॉर्ड वायर हमने आपको बताई थी जो कि मशीन से लगती है, मशीन से ही आप ध्यान रखिए, लैपटॉप से ही इस मशीन को पावर सप्लाई मिलती है। ये हमने यूएसबी पोर्ट पे एक साइड पे आपका इस कॉर्ड वायर को हमने लगा दिया है और ये देखिए मशीन ऑन हो चुकी है। इस तरीके से मशीन को पावर सप्लाई मिल चुकी है और मशीन यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे और सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद हमने इस मशीन को कैसे यूज करना है, सबसे पहले हमने इसकी टेस्टिंग रॉड को कनेक्ट करना है। इस तरीके से पोर्ट पे हम टेस्टिंग रॉड की वायर को कनेक्ट करेंगे और फिर हम टेस्टिंग पे जाएंगे, टेस्टिंग वाले कॉलम पे जाएंगे। और टेस्टिंग वाले कॉलम पे जाने के बाद हम इसको ऐड करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऐड का ऑप्शन आ रहा है, एक चार्ट खुल जाएगा। इसमें आपको अपने पैरामीटर्स भरने हैं, आपको नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, ये सारी चीजें भरनी आपको सबसे मैंडेट है एक टेस्टिंग करने के लिए। स्टार्ट के बटन पे हम लोग जाएंगे। स्टार्ट पे जाने से पहले सबसे पहले हमारे को रॉड पकड़नी है। रॉड जब आप पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड पे, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपके हाथ पे कोई भी मेटल ना हो, इस चीज का आपको सबसे मेन ध्यान रखना है। और अब हमने रॉड पकड़ी है और रॉड पकड़ के हमने स्टार्ट का बटन ऑन किया और इस तरीके से ये आपका मशीन जो है बिल्कुल रेडी है आपकी टेस्टिंग करने के लिए। और देखिए मशीन बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, 60 सेकंड्स के अंदर ये आपकी बॉडी को एक रेफरेंस रिपोर्ट जनरेट करके देगी जो कि आपकी बॉडी की जांच करके निकाली गई है विद इन 1 मिनट क्वांटम मैग्नेटिक 9th जनरेशन के द्वारा। देखिए बिल्कुल जब 60 सेकंड्स हो गए हैं, किस तरीके से ये आपका सॉफ्टवेयर ने पूरी रिपोर्ट जनरेट कर दी है 60 सेकंड्स के अंदर। फिर रिपोर्ट अब आगे जनरेट होगी वो आपको बताते हैं। यहाँ पर सेव का एक ऑप्शन बना हुआ आ रहा है, आपको यहाँ पर जाकर के सेव करना है और रिपोर्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगी। पहले ये रिपोर्ट को हमने सेव करना है जो आपका जाँच हुआ 60 सेकंड के अंदर आपकी बॉडी की। और उसके बाद ये इस तरीके से स्क्रीन पर आपके बना हुआ आएगा टैप और ये देखिए ये बिल्कुल जनरेट करना इसने शुरू कर दिया है, प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। इस तरीके से आपकी रिपोर्ट देखिए जनरेट होकर के आ जाएगी। आप इसको सेव कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में, जिप फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, एचएमटीएल में, किसी भी तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। और इस तरीके की रिपोर्ट्स आपकी बॉडी के अंदर, ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की रिपोर्ट्स आपको पूरी दिखाई जाएगी किस तरीके से। प्लस इसमें एक कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट भी दिखाई जाती है किस तरीके से, एक कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट आप दिखा देखिए। इसमें आपको साथ साथ एक एक्सपर्ट एडवाइस भी दी जाती है और आपको नॉर्मल रेंज और एक्चुअल मेजरमेंट जो आपके टेस्टिंग के दौरान आपके आए हैं वो भी आप देख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए आपकी एज, वेट, हाइट के हिसाब से, और एक्चुअल मेजरमेंट कितना आया है। इसी तरीके से आपको गैस्ट्रिक, लीवर फंक्शन ठीक, सारे पार्ट बॉडी के विटामिन से लेकर के आपकी किडनी फंक्शन तक के रिपोर्ट्स ये आपको एक रेफरेंस रिपोर्ट में आपको जनरेट करके देगी ये मशीन।
तो दोस्तों क्वांटम मशीन के सॉफ्टवेयर को आप कैसे इंस्टॉल करने के बाद आप बॉडी की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके साथ कुछ एसेसरीज भी आती हैं इस थेरेपी मॉडल के साथ, जिसमें आपकी बॉडी को आप ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं, और स्टिमुलेटर के साथ ये स्टिमुलेशन के कुछ इंस्ट्रूमेंट साथ में आपको साथ में आते हैं, एसेसरीज आती हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये जो आप इसको दो सॉकेट देख रहे हैं, इसमें हमने जो वायर साथ में आती है, इस वायर को हमने कनेक्ट करना है। स्लीपर के लिए अलग सॉकेट है और टेंस पैड के लिए अलग सॉकेट है, और इस तरीके से हमने ये सॉकेट में हमने इस वायर को कनेक्ट किया, और इसके साथ ही आप देख रहे हैं ये स्लीपर को हमने कनेक्ट करा है। स्लीपर के साथ में एक होल बने हुए हैं, और ये देखिए इसमें पिन्स होते हैं, ये पिन आपने लगाने हैं स्लीपर के अंदर इस तरीके से। और ये पैरों के लिए, पैरों में स्टिमुलेशन का, अगर जिनको पैरों में दिक्कत हो, घुटनों में दिक्कत हो, टांगों में दर्द हो, इस तरीके से वो इस मशीन को यूज कर सकते हैं। ये इस तरीके से हमने लगाया इसको, और उसके बाद हमने जो देखिए इसमें आपका टाइमर का भी ऑप्शन आ रहा है, आप टाइमर भी इसमें सेट कर सकते हैं, और साथ में अलग अलग तरीके से मोड्स रहेंगे, 10 मिनट 20 मिनट मोड्स, आप 1 2 3 4 मोड्स, अलग अलग मोड्स में अलग अलग तरीके से स्टिमुलेट होगा, और साथ में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ठीक इस तरीके से। ये जो आपको नोब दिख रही है, एक एडजस्ट करने की, कितना आपको स्टिमुलेशन करना है, इस तरीके से आप इसको यूज करके अपनी बॉडी पार्ट पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ तीन एसेसरीज आती हैं, एक इसके अंदर ये बॉडी पैचेस आते हैं, बॉडी पेन के लिए आप इसको लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने नेक पे, टांगों पे, कहीं पे भी। इस तरीके से देखिए वायर लगा करके इसमें स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर को रिमूव करके आप अपने स्किन पे डायरेक्ट कहीं पे भी दो पैचेस को एक साथ लगा सकते हैं। टोटल 4 पैचेस आते हैं इसके अंदर, और ये देखिए 4 पैचेस आते हैं। इस तरीके से आप इसका ये स्टिकर को रिमूव करके आप दोनों पैचेस को साथ साथ लगा सकते हैं, कहीं पे भी नेक पे, आपके बैक पे, कहीं पे भी जहां पर भी आपको पेन हो रहा हो। इसके बाद आपने ये हाथों के दो आपको ब्लैक कलर के हैंडकफ दिख रहे हैं, इस तरीके से आपने इसको कनेक्ट करना है। आर्म से रिलेटेड पैरों में, हाथों में कोई दिक्कत होती हो आपको, तो आप इसको पकड़ के आप स्टिमुलेट कर सकते हैं, और आपके बॉडी में जो आर्म से रिलेटेड, हाथ से कोई झंझनाहट वगैरह की दिक्कत रहती हो, आप इस तरीके से आप इसको पकड़ के टाइमर सेट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोड ले सकते हैं। उसके बाद इसके साथ तीसरी एसेसरीज आती है, ये जो स्लीपर आपको बताया है, ये पैरों से घुटनों के रिलेटेड, टांगों में दर्द हो, आप इसमें भी वायर को लगा करके, इस तरीके से वायर को लगा करके आप इसको यूज कर सकते हैं, और टाइमर एडजस्ट करके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मोड्स को आप अपनी बॉडी पे आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। दोस्तों आज आपने देखा क्वांटम थेरेपी एनालाइजर मशीन 9th जनरेशन को कैसे यूज किया जाता है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।